गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स टूडे वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्स एक्शंस फर्स्ट इज वट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन होते क्या है सबसे पहले हम ये जानेंगे दीज आर स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक मकैनिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय स्टिमुलेटिंग स्पेसिफिक रिसेप्टर्स मतलब क्या है स्पॉन्टेनियस एकदम से ऑटोमेटिक खुद ही होते हैं मैकेनिकल रिस्पॉन्स है जिनको प्रोड्यूस करता है जब प्रोड्यूस कब होते हैं ये जब स्पेसिफिक रिसेप्टर स्टूमुलेट होता है तब ये प्रोड्यूस होते हैं इन एक्शंस में विल जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती इन दीज एक्शंस विल इज़ नॉट इन्वॉल्व मतलब विल मतलब इच्छा हमारी इन्वॉल्व नहीं होती सो देर इज़ नो चॉइस तो इसका मतलब कोई चॉइस नहीं होती एंड सेम स्ट्यूम्यूलिसस रिसीव सेम रिस्पॉन्स इस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन और सेम जो स्ट्यूमलस होगा वो हर बार उससे सेम रिस्पॉन्स ही जनरेट होगा कंडीशन पे वो डिपेंड नहीं करेगा कि ऐसा नहीं है कि हम एक सेम रिस्पॉन्स डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में अप्लाई कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स जो है वो अलग आएगा ऐसा नहीं होगा सेम स्ट्यूमलस से हमेशा सेम ही रिस्पांस जनरेट

बाई चांस अगर हमारे हाथ पे कोई निडल लग जाए तो हम एकदम से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं तो क्या है ये सेम स्टिमुलस है अगर बार बार नीड़ल लगेगी तो सेम ही रिस्पांस जनरेट होगा हांड हम अपने हाथ को पीछे ही खींचेंगे ठीक so है तो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल है अगर हमारी आंखों में एकदम से स्ट्रॉग लाइट पड़ती है तो हम अपनी आँखें बंद कर लेते हैं और हर बार ऐसा ही होगा तो सेम स्टिमुलस से सेम रिस्पॉन्स जो है हर बार जनरेट होगा कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता ला आ, एक और एग्जांपल है विसरल फंक्शंस है जैसे कि हमारी बॉडी में पेरिस्टैलिसिस होती है हमारी हार्ट बीट है ये सब भी क्या है रिफ्लेक्स एक्शन है ठीक है तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म की क्या मैकेनिज्म रहेगा रिफ्लेक्स एक्शन का इसके अंदर फॉलोइंग स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व रहेंगे सबसे पहला है रिसेप्टर ऑर्गन तो फर्स्ट स्टेप जो रहेगा वो रहेगा रिसेप्टर ऑर्गन जैसे कि हमारी स्किन है डैट इज तो रिसेप्टर ऑर्गन बाहर से कोई भी स्टिमुलस है वो सबसे पहले हमारी स्किन रिसीव करती है तो ये क्या करेगी स्टिमुलस को रिसीव करेगी और यहाँ से जब इसके ऊपर स्टिमुलस आएगा तो यहाँ से इनिशिएट होगी एक सेंसरी नर्व इम्पल्स दो तरह की नर्व इम्पल्स के बारे नौ. में हम पढ़ते हैं एक होती है सेंसरी और एक होती है मोटर तो सेंसरी नर्व इम्पल्स जो है वो यहाँ से इनिशिएट होगी सेकेंड स्टेप uh, रहेगा सेंसरी और एफरेंट नर्व फाइबर अब ये जो सेंसरी नर्व इम्पल्स हमारी स्किन से हमारे रिसेप्टर ऑर्गन से जनरेट हुई है ये फर्दर जाएगी रिसेप्टर ऑर्गन के पास रिसेप्टर ऑर्गन से स्पाइनल कोड तक मतलब रिसेप्टर ऑर्गन जो होगा वहाँ पे जाएगी और वहाँ से ये जाएगी स्पाइनल कोड पे थर्ड स्टेप में रहेगी हमारी स्पाइनल कोड जो स्पाइनल कोड है ये मॉडुलेटर की तरह काम करती है मतलब क्या मॉडूलेट कर देगी चेंज कर देगी जो सेंसरी इम्पल्स थी उसको मोटर इम्पल्स में चेंज कर देगी तो नेक्स्ट आएगा मोटर और ई फ्रेंड नर्व फाइबर ये क्या करेगी अब जो मोटर नर्व इम्पल्स है स्पाइनल कोड में हुई है वो मोडूलेट तो वहाँ से वो जाएगी इफेक्टर पे जैसे कि हमारे टांगों के मसल्स हैं या फिर हमारे हाथ हैं जो भी हैं ठीक है तो लास्ट आ जाएगा इफेक्टिव ऑर्गन जो भी इफेक्टिव ऑर्गन है वहाँ से क्या है रिस्पॉन्स जनरेट होगा जैसे अगर हम प्रिकिंग ऑफ नीडल की बात करते हैं तो नीडल जो है हमारी स्किन के ऊपर टच होगी सबसे पहले तो वो क्या हो गया हमारा रिसेप्टर ऑर्गन हो गया अब जैसे ही नीडल प्रिक हुई वहाँ से हमारी सेंसरी और एफरेंडाफ फाइबर निकली वो स्पाइनल कोड तक गई स्पाइनल कोड ने उसको चेंज कर दिया ईफ्रेंड ऑफ फाइबर में वो फर्दर इफेक्टिव ऑर्गन यानी कि हमारे हाथों के ऊपर आई जहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट हुआ क्लियर और ये क्या प्रोड्यूस करता है दिस प्रोड्यूस आइदर द मूवमेंट ऑफ सॉफ्ट मसल और सिक्रेशन फ्रॉम ग्लैंड और रिस्पॉन्स में होता क्या है या तो हमारे कोई ना कोई मसल्स मूव करते हैं जो रिस्पॉन्स होता है या फिर किसी ना किसी ग्लैंड से कोई सिक्रेशन सिक्रिएट secret होती है अब पाथ रास्ता जो फॉलो करेगी एक इंपल्स एक रिफ्लेक्स सेक्शन में उसको हम रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे जैसे कि हमने कहा सेंसरी इम्पल्स है वो स्पाइनल कोड में गई वहाँ से वो चेंज हो गई मोटर इम्पल्स के अंदर तो जो रास्ता फॉलो कर रही है इम्पल्स एक पूरे रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर उसको बोल देंगे रिफ्लेक्स आर्क इंपल्स जो है वो सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करेगी एक रिफ्लेक्स आग के अंदर क्योंकि हर साइनअप्स जो है रिफ्लेक्स में वो अलाउ करेगा इम्पल्स को कि वो सिंगल डायरेक्शन में ही फ्लो करे जैसे कि ये डायग्राम में आप देख सकते हैं दिस इज सेंसरी नर्व फाइबर दिस इज मोटर नर्व फाइबर यहाँ पे बोला है हमने मिक्स नर्व्स हैं कि दोनों सेंसिटर मोटर यहाँ पे थोड़ा सा कंबाइन कर रहे हैं ठीक है ये हमारा जो है कनेक्टिव कनेक्टिंग न्यूरोन है स्पाइनल कोड दिखाई गई है स्किन दिखाई गई है जैसे कि हमने कहा स्किन क्या होती है हमारी रिसेप्टर ऑर्गन होती है जहाँ पे सबसे पहले स्टिमुलस आता है ये है स्ट्राइप्ड मसल फाइबर शो किए हुए हैं ठीक है तो हो क्या रहा है अब देखिए इस डायग्राम में हमने कहा हम बात कर रहे थे यहाँ पे रिफ्लेक्स आग की रिफ्लैक्स आँख हमने कहा कि इम्पल्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फॉलो करती है एक रिफ्लेक्स आँख में और रिफ्लैक्स आँख है क्या वो रास्ता जो फॉलो करेगी इम्पल्स पूरे एक रिफ्लेक्स सेक्शन में ठीक है तो हमने कहा स्किन हमारी रिसेप्टर ऑर्गन थी वहाँ से जनरेट हुए सेंसरी नर्व फाइबर वो सेंसरी नर्व फाइबर किसके पास गए स्पाइनल कोड के पास गए स्पाइनल कोड ने उनको चेंज कर दिया क्योंकि स्पाइनल कोड यहाँ पे मॉड्यूलेटर का काम कर रही है उसने उसको चेंज कर दिया मोटर नर्व फाइबर में और जो मोटर नर्व फाइबर है हमारे वो फर्दर हमारे किसके ऊपर जाएंगे अभी हमने कहा इफेक्टर ऑर्गन के ऊपर तो जैसा कि हमने किसी मसल की मूवमेंट होती है या ग्लैंड से तो यहाँ पे मसल फाइबर दिखाया गया है तो ये पूरा रास्ता जो फॉलो हो रहा है डैट इज़ नोन एज रिफ्लेक्स आग और यहाँ पे आप देख भी सकते हो एक सिंगल डायरेक्शन में जो इम्पल्स है वो फ्लो कर रही है यहाँ से यहाँ पे क्लियर नेक्स्ट आते हैं सिग्निफिकेंस क्या सिग्निफिकेंस रहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन जो है उसके दो फोल्ड एडवांटेज है सबसे पहला ये हमारी बॉडी को एनेबल करती है कि वो क्विक रिस्पॉन्स दे किसी भी हार्मफुल स्टिमुलाई के लिए तो चांसेस ऑफ डैमेज जो होंगे बॉडी को वो डिक्रीज हो जाएंगे मान लो अगर हमारे हाथ पे निडल प्रिक हुई है ये हमारे अंदर रिफ्लेक्स एक्शन है कि एकदम से हम अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं तो हमारी बॉडी को कोई डैमेज नहीं होता लेकिन अगर ये रिफ्लेक्स एक्शन ना होता ठीक है हमारे हाथों पे निडल अगर चुभी जा रही है और हम मतलब हाथ जो है अपना विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हो हमारी बॉडी को डैमेज हो जाएगा तो ये हमारी बॉडी को एनेबल कर रहा है कि हमारी बॉडी एकदम से रिस्पॉन्स देती है हार्मफुल स्टिमुलाई को जिसकी वजह से डैमेज के जो चांसेज है बॉडी में वो घट जाते हैं सेकेंड है ये ओवरलोडिंग को रोकती है ब्रेन के तो उसके फटीक को रोकती है मतलब क्या है रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है मतलब हम उसमें हमारी इच्छा तो इन्वॉल्व नहीं है एकदम से क्विक रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है तो ब्रेन के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता तो हमारा ब्रेन जो है वो फटीक नहीं होता क्लियर